नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा केकर, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए। इसमें आज हम नॉक्टर्नल एन्यूरियासिस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉक्टर्नल एन्यूरियासिस, जिसे हम बेड वेटिंग भी कहते हैं और साधारण भाषा में बिस्तर गीला करना कहते हैं, तो बिस्तर गीला करना ये काफी कॉमन है 5 साल तक की उम्र तक। लेकिन अगर बच्चे को 5 साल की उम्र के बाद भी ये कंटिन्यू है, कम से कम हफ्ते में 2 बार वो यूरिन पास कर रहा है बेड में, या फिर महीने में 8 से 10 बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, और ऐसा लगातार अगर 3 महीने तक चल रहा है, तो उसे हम नॉक्टर्नल एन्यूरियासिस करके डायग्नोसिस देते हैं, उसका निदान करते हैं। नॉक्टर्नल एन्यूरियासिस एक्चुअली 2 प्रकार होते हैं। एक है प्राइमरी एन्यूरियासिस, जिसमें क्या होता है कि जो यूरिन में कंट्रोल आता है वो कंट्रोल आता ही नहीं है, वो ड्राई पीरियड रहता ही नहीं है, वो जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहता है, उसे कहते हैं प्राइमरी एन्यूरियासिस। और दूसरा है सेकेंडरी एन्यूरियासिस, जिसमें कुछ सालों बाद वो कंट्रोल आ गया था लेकिन वापस वो प्रॉब्लम शुरू हो गया है, उसे कहते हैं सेकेंडरी एन्यूरियासिस। सेकेंडरी एन्यूरियासिस के 2 रीजंस हो सकते हैं। एक है मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और दूसरा है इमोशनल डिस्टर्बेंस या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी बच्चों में यही पाया गया है कि डिस्टर्बेंस की वजह से उन्हें सेकेंडरी एन्यूरियासिस होता है। तो इसके कुछ कारण है। काफी बच्चों में ऐसा देखा गया है कि उसका अगर या उसकी छोटी बहन या भाई का जन्म होता है तो उन्हें यह प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर स्कूल्स में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे टीचर्स ने डांट दिया, बच्चों ने कुछ छेड़छाड़ की, या फिर किसी ने बड़ों ने कुछ छेड़छाड़ की, या सेक्सुअल प्रॉब्लम कुछ या अब्यूज हो गया स्कूल में, पढ़ाई का कुछ टेंशन है, या फ्रेंड्स से नहीं जम रहा है, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। घर में अगर माँ बाप का एक दूसरे से नहीं पटता, कुछ झगड़े हो रहे हैं, क्लेश कलह है, या फैमिली मेम्बर्स का एक दूसरे से नहीं पटता है, नहीं जमता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों पे उसका असर हो सकता है। अब जो पेरेंट्स है ये एक्चुअली समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमें गंभीरता से लेना चाहिए और ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वो अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा बेटा पागल थोड़ी है जो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए। लेकिन हमें ये महत्वपूर्ण चीज याद रखनी चाहिए कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। क्या होता है ना कि ये प्रॉब्लम की वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, वो ज्यादा बच्चों में मिलता जुलता नहीं है, बच्चों में मिक्स होता नहीं है, वो सोशली खुद को विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि वो समझता है कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वो ट्रेकिंग के लिए नहीं जा सकता, कैंप्स के लिए नहीं जा सकता, नाइट आउट फ्रेंड के साथ उनके घर नहीं जा सकता, पढ़ाई के लिए नहीं जा सकता, और वो उसकी वजह से फिर अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता है। पेरेंट्स भी अपने बच्चे को फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ नाइट आउट अगर जाना है तो नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ाएंगे या रिलेटिव्स में चर्चा होगी। तो इस प्रॉब्लम की वजह से उसका पूरा असर बच्चे पे होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट के लिए पहले हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, और पूरी जानकारी लेने के बाद उसके 3 टाइप्स है, जैसे एक बिहेवियर थेरेपी है, एक काउंसलिंग सेशन है, और तीसरा है मेडिसिंस। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग, और काउंसलिंग वो भी पेरेंट्स का काउंसलिंग इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पेरेंट्स को हमें सबसे पहले ये बताना है कि बच्चे को डांटे नहीं, चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, उसे गालियां नहीं देना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, उसे पनिश नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे शांति से समझाओ, उसे समझ लो। काफी पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि वो रिलेटिव्स में डिस्कस करते हैं और कंप्लेंट करते हैं, और उसकी वजह से फिर वो रिलेटिव्स भी वो बच्चे के साथ डिस्कस करने लगते हैं और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये हमने सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, यानी अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए हमें उसे कुछ बिहेवियरल थेरेपी
या फिर बिहेवियरल चेंजेस, उसके बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो रात को सोते समय अगर 10 बजे का उसका टाइम है सोने का, तो उसके 2 से 3 घंटे पहले उसको पानी देना बंद करना चाहिए। अगर 7-7:30 बजे वो खाना खा रहा है तो उसे उसके बाद पानी देना नहीं चाहिए, और 10 बजे तो अगर वो सो रहा है तो 10 बजे उसको यूरिन पास करके सुलाना चाहिए। बीच में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रात में अगर वो 1-2 बार यूरिन पास करता है, तो उसके हिसाब से अलार्म लगा के उसको उठाना चाहिए, उसे पूरी नींद से जगाकर उसको यूरिन पास करने के लिए लेके जाना चाहिए। उससे भी काफी फायदा होगा, उसे कंट्रोल आ जाएगा। दिन में भी अगर वो यूरिन पास करने जा रहा है तो उसे बोलना चाहिए कि कुछ देर तक वो कंट्रोल करने की कोशिश करो, ताकि वो उसका कंट्रोल उस पर आ सके। दूसरा है स्टार चार्टिंग। अगर बच्चा कुछ दिन यूरिन पास नहीं कर रहा है तो उसे टिक करना चाहिए, उसे अप्रिशिएशन देना चाहिए, उसे शाबाशी देनी चाहिए, उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, जिससे उसे लगे कि नहीं, मैंने कुछ अच्छी बात की है और सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। अगर वो यूरिन पास कर रहा है तो उसे न डांटते हुए उसे समझाना चाहिए, और वो यूरिन पास ना करे इसके लिए उसे बात करनी चाहिए। तीसरा है मेडिसिंस। मेडिसिंस हम देते हैं वो काफ़ी लो डोज में हम सब प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो कुछ महीनों के लिए ही होती है। जैसे उसके बिहेवियर में चेंज आता है, उसका कंट्रोल आ जाता है, धीरे धीरे हम वो मेडिसिन बंद भी करते हैं। तो ये थी सब नॉक्टर्नल एनुरियासिस के बारे में जानकारी। अगर इसके बारे में अगर आपको और कुछ बात करनी है, जानकारी चाहिए हो, तो हमारे केळकर तुरंकर साइकेट्रिक नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल का नंबर है 9503309619। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए इस वीडियो का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, सही जानकारी पहुँचाना। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। धन्यवाद।